कोई बंदा अगर रीजनिंग में अगर अव्वल चाहता है तो रीजनिंग के सीटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन कम से कम तीन देखने को मिले हैं, तो तीन कम से कम सीटिंग अरेंजमेंट को अच्छे से पढ़ के आया बंदा। और नॉन मॉरल रीजनिंग में से कुछ इतना ज्यादा वो नहीं आया, एक दो एक क्वेश्चन आया था पेपर होल्डिंग कटिंग का। आपने सबसे ज्यादा हार्ड क्या लगा आपको पेपर में? हार्ड तो कुछ भी नहीं, लेकिन कैलकुलेट है, थोड़ा टाइम टेकन है बस, टाइम लग रहा है कैलकुलेशन, थोड़ा टाइम लग रहा है बस, और कोई आराम से हो रहा है, पेपर इजी आ रहा है। हिंदी, हिंदी में क्या टफ है? मतलब हिंदी में गद्यांश में थोड़ा समझने में थोड़ा प्रॉब्लम, व्याकरण बिल्कुल नॉर्मल आ रही है जी, एकदम नॉर्मल। हां, और जैसे विलोम पर्यायवाची है, दोनों वो सीधे आ रहे हैं, एक दो टफ भी आ रहे हैं और सीधे भी आ रहे हैं, दोनों टाइप के आ रहे हैं। और जीके में क्या पार्ट हार्ड है? जीके में करंट अफेयर थोड़ा टफ आ रहा है। करंट अफेयर का आया था केरल, एक तो केरल का आया था जो 2011 की जनगणना के अनुसार केरल की साक्षरता दर किस राज्य की कम की थी महिलाओं में, और पॉलिटी के चार क्वेश्चन आए थे, और एक का आया था वित्त आयोग का कौन सा अनुच्छेद है, और एक आया था किसके वो खुद के खिलाफ गवाही देने के लिए बात नहीं कर सकते, उसमें आर्टिकल 20 है, और एक और आया था। और साइंस का क्या? साइंस के में सापेक्षता सिद्धांत आया था, वो आइंस्टीन था उसमें। और हिस्ट्री? हिस्ट्री में आया था, कोई क्वेश्चन याद हो? हिस्ट्री में आया था वो समुद्र कितने राज्यों से संबंधित था, ऐसे कुछ क्वेश्चन था। कहाँ से आप? मैं करौली से। थैंक यू भाई। ओके भाई, तो एग्जाम कैसा रहा भाई आप? मैं तो, मेरा नहीं इनका है। बहुत अच्छा रहा। कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया आपने? ये 63। थोड़े इधर 58। 58। हाँ, आपने 63। तो आपको सबसे ज़्यादा हार्ड क्या लगा एग्जाम में? हार्ड तो ऐसा कुछ भी नहीं है, देखो मैथ और रीजनिंग किसी बंदे ने अगर 2 महीने भी पढ़ी होगी ना तो आराम से सॉल्व कर लेगा, नॉर्मल था पेपर, बिल्कुल नॉर्मल। और जीके में? जीके का भी कोई ज़्यादा वो नहीं है, बंदे को सबसे ज़्यादा करंट अफेयर से फोकस करना चाहिए, क्योंकि करंट अफेयर से कम से कम 5 से 7 क्वेश्चन देखने को मिले हैं। अदरवाइज हिस्ट्री का भी कोई इतना ज़्यादा रोल नहीं है, हिस्ट्री का 1 से 2 क्वेश्चन आए थे, लेकिन देन फॉर ऐसा कुछ हार्ड पेपर नहीं है, नॉर्मल आ रहा है, कुल मिला के बात ही है। और गन पासा बस, चार पांच टॉपिक जो एडवांस में क्या आया था, छत्रमिति से आया था कुछ? हाँ, एक क्वेश्चन आया था, एक क्वेश्चन देखने को मिला था एडवांस से, अदर याद तो नहीं है, बट ये है कि घन से था जी। और प्रॉफिट लॉस से भी शायद 2 क्वेश्चन देखने को मिले थे, बस कुल मिला के बात यह है कि कोई बंदा अगर 2 से 3 महीने अच्छे से तैयारी की होगी ना मैथ रीजनिंग में आराम से अव्वल कर सकता है, बस ये है कुल मिला के बात। थैंक यू।